अब हम पहुंच गए हैं अली भाई के वर्कशॉप पे, ये दिखाते हैं आपको। तो पास एक बाइक खड़ी है, अभी आपको ये जगह भी दिखाएंगे। नाश्ता चल रहा है तो हाँ भाई नाश्ता कर रहे हैं। आए नाश्ता अली भाई, आइए। हमारा अली भाई, जैसे अली भाई की तरफ का काम अच्छा है वैसे यहाँ का नाश्ता भी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, आए शॉप से आए। ये वैसे एयर कौन सा, ये 96 का है? नहीं, 98 है। 600 cc, V20। मेरे साथ मुत्तकी मौजूद हैं। ये मुत्तकी जो हैं बेसिकली अली भाई के बेटे हैं और वो इनके साथ यहाँ पे होते हैं। और अब हम ये दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे कि इनकी जो वर्कशॉप है बेसिकली इज़ नॉट जस्ट वर्कशॉप, इनके पास परफॉर्मेंस पार्ट्स भी होते हैं, सारी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। और आपको कुछ दिखाते हैं चीज़ें के स्पोर्ट्स बाइक के हवाले से, स्ट्रीट बाइक की, जो हैवी बाइक जो सुपर बाइक्स होती हैं उनकी चीज़ें नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता कहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप ये देखें यहाँ पे आपको ये शॉक्स भी नज़र आ जाएंगे, फ्रंट शॉक्स, ये जिक्सर के हैं, इनके पास रेडी अवेलेबल हैं। इस तरह ये बॉडी फेयरिंग के बहुत सारे पार्ट्स हैं, इंजन के, हाँ ये केसेस पीसेस हैं। और ये लाइट्स देखें, समीज के काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आपको देखें बॉडी फेयरिंग के पार्ट्स देखें सारे अवेलेबल हैं इनके पास। ये नॉर्मली जो है रेडीली अवेलेबल नहीं होते, ऑर्डर पे मंगवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अली भाई के पास अवेलेबल है। कौन से, ये हार्ली डेविडसन का, ये वाला, ये हार्ली डेविडसन का बैकरेस्ट पीस भी है ये। ओ यस, ये बैकरेस्ट पीस है, ठीक है, ये भी अवेलेबल। और ये आप देखिए क्लच प्लेट्स, जो कि एक बेसिक ऐसा पार्ट होता है जो कि नॉर्मल ईजीली अवेलेबल नहीं होता, तो इनके पास आपको अगर मैं दिखाऊँ जिक्सर की, Z1000 कावासाकी बैंडेड, और R1 के डिफरेंट मॉडल, जिक्सर 1300 जो मेरे ख्याल में हायाबुसा भी आ जाती है जिसमें, ये वी मैक्स, ये देखें होंडा 954 सीसी 1000 सीसी की क्लच प्लेट्स, ये रेडीली अवेलेबल हैं। वरना नॉर्मल केसेस में ऑर्डर होके फिर आती हैं, महीने बाद फिर लगाई जाती हैं। एक्सेसरीज भी देख लें काफ़ी अच्छी अवेलेबल हैं। ये कार्बोरेटर किसका है? ये विरागो का है। विरागो का है, यामाहा विरागो का। यामाहा विरागो कितनी सीसी होती है? वो डिफरेंट होती है, ये 250 और 400 का। और ये ब्रांड न्यू देखें, ये ब्रांड न्यू यहाँ पे अवेलेबल है सारी चीज़ें। ये देखें अमेरिका से इंपोर्ट करवाई, बिल्कुल दिखाएं। इस पॉकेट देखें, ट्रेल बैक इस पॉकेट्स अवेलेबल है रेडीली इनके पास, यू डोंट हैव टू वेट, आप आएँ और इनसे लगवाएँ। और ये एडजस्टेबल लीवर्स हैं, ठीक है, आपको आफ्टर मार्केट सामान, OEM सामान सब, बिल्कुल। ये सारे कुछ एग्जॉस्ट भी हैं इनके पास लगे हुए, अगर देखें जिसमें एक्रोपोविच SC भी है, हेडलाइट्स हैं, और ये नीचे और भी बहुत सारी एक्सेसरीज हैं। तो आप अली भाई के पास आ सकते हैं, अली भाई के पास काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। और वी मैक्स का साइकिल ब्रेक का कवर, बिल्कुल, किसका ये जिक्सर 1000 का टैंक, बिल्कुल। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनके पास अवेलेबल होती हैं, बॉडी फेयरिंग्स भी बहुत सारी अवेलेबल हैं जो कि इनके पास स्टॉक में रखी हुई होती हैं। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये कस्टम चॉपर बनाया है, ये जैसे कि स्कल उठा सकते हैं, स्कल मैं दिखाना चाहूँ, ये काटेगा ये इसको पकड़ के देखा, हाँ हाथ से, एक हाथ से पकड़ेंगे। ये देखें ये चॉपर बन रही है, उसके लिए ये बनाई जा रही है चीज़ें। संजय
ये इसके नीचे क्या है देख सकते हैं बंदी हो रही है कोई बात नहीं ये बाइक है रिपेयरिंग की ZXR ये अली भाई के पास कुछ छुपे हुए खजाने भी हैं जो के नॉर्मली पता नहीं होते फॉर सेल ही है और ये फॉर सेल है अली भाई ये फॉर सेल है जी जी कंप्लीट के बाद कराने के बाद अच्छा ये अभी अंडर प्रोग्रेस है ये पड़ी हुई है अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो ये बना के देंगे अली भाई ये इसकी थोड़ी डिटेल बता कौन सा है ZX250 होने के लिए रखी हुई है यहाँ पे बाइक्स कुछ रिपेयर्स के लिए भी आएंगे इनके पास ये 400cc 5 ब्लेड और ये मेरी फेवरेट बाइक आई लव दिस बाइक बैंडेड है ये कौन सी है बैंडेड 250 भी अवेलेबल है ये भी अगर कोई साहब इंटरेस्टेड है तो ये इनको पूरी सही करके देंगे पूरी बना के देंगे और दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर सेल Thank you.
ऑयल की बहुत पोजीशन ख़राब है ना, बहुत ज़्यादा काला नहीं, बहुत ज़्यादा काला हो गया, बात की लंबा से बात करवा रहे हैं। तो क्या कार्बन आ रहा है अंदर, क्या हो रहा है? ऑयल अच्छा नहीं था, ऑयल जिसे जलवाया था ना वो बंदा कुछ।